गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर ऑल फाइन। टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पे आज हम लोगों ने रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 8, नेम इज़ अर्थ एंड स्काई, ज़मीन और आसमान के बारे में। लेसन नंबर हम लोगों का है 16, उसका नेम है ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। अब ज़मीन के बारे में हम लोगों ने इस पर रीडिंग करनी है, स्टार्ट करते हैं। द अर्थ वी लिव ऑन इज शेप लाइक अ ह्यूज बॉल। ज़मीन जिस पे हम रहते हैं उसकी शेप किसकी तरह की है? लाइक अ ह्यूज बॉल, बहुत बड़े गेंद की तरह की शक्ल है। ज़मीन की शक्ल किसकी तरह की है? बहुत बड़े गेंद की तरह की। दिस इज़ हाउ, इसीलिए इट्स लुक, ये दिखाई देता है। व्हेन इट इज़ सीन फ्रॉम हाई अबव इन स्पेस, जब हम खला से, हम ऊपर खला से जब नीचे की तरफ देखते हैं ज़मीन को, तो ये बहुत बड़े गेंद की तरह दिखाई देता है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किस से बना हुआ है? लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी से। ऑन द अर्थ, अर्थ ज़मीन पर, देयर आर हिल्स, पहाड़ियाँ, एंड माउंटेन्स, पहाड़, वैली, वादियाँ, एंड रिवर्स और दरिया, फॉरेस्ट, जंगल, प्लेन्स, मैदानी इलाके, लेक्स, झील, एंड सी, समंदर। ज़मीन पर हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उन चीज़ों में क्या क्या है? हिल्स, पहाड़ियाँ, पहाड़, वादियाँ, मैदानी इलाके, जंगल, दरिया, झील और समंदर पाए जाते हैं। देयर इज़ स्नो ऑन मैनी हाई माउंटेन टॉप्स, माउंटेन के टॉप पे हमें बर्फ मिलती है। ये माउंटेन है और ये देखें ऊपर वाइट वाइट है, ये क्या है? ये स्नो होती है माउंटेन्स के। रिवर बिगेन इन द माउंटेन्स, माउंटेन से शुरू, रिवर्स शुरू होते हैं माउंटेन से। ये माउंटेन से रिवर स्टार्ट हुआ और फिर ये कहाँ जाते हैं? सी में जाते हैं, समंदर और लेक्स पे जाते हैं, झीलों में। दे फ्लो डाउन इन टू द लेक्स एंड सी, फिर ये कहाँ जाते हैं? फ्लो डाउन, नीचे की तरफ आते हैं ये रिवर, लेक्स में और समंदर में। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ, हमें देखभाल करनी चाहिए ज़मीन की। इट इज़ आवर होम, क्योंकि ये हमारा घर, जैसे घर की हम लोग ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी ज़मीन का भी ख्याल रखना चाहिए। टेक आउट नेक्स्ट पेज 64, पार्ट ए, कलर दिस पिक्चर एंड मैच द नेम्स विद द नंबर्स। नंबर्स वन है माउंटेन, रिवर, हाई, प्लेन, फॉरेस्ट, सी। ये पिक्चर बनी है, इसको आपने कलर करना है। पेज नंबर 63 पे आपको ये पिक्चर अवेलेबल है, वहाँ से देख के आप लोगों ने इस पर कलर करनी है, नेम लिखनी है और इनसे मैच करना है। पार्ट बी, लुक एट पेज 63 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों ने पेज नंबर 63 पे देख कर उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। देर इज़ डैश ऑन द माउंटेन टॉप्स, माउंटेन्स के टॉप पे मैंने आपको जैसे कि बताया हमें क्या मिलता है? स्नो, बर्फ। रिवर फ्लो इन टू द डैश एंड डैश, रिवर फ्लो करता है लेक्स एंड सी में। देर आर डैश ऑन द हिल्स, हिल्स पे क्या होती हैं? माउंटेन। द अर्थ इज़ शेप लाइक अ डैश, अर्थ की शेप कैसी होती है? आ ह्यूज बॉल, बहुत बड़े गेंद की तरह। पार्ट सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द सी बाय द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है? लैंड और लेक के दरमियान जो बाउंड्री लाइन मिलती है, उसके साथ कौन सा समंदर हमें मिलता है उसका नाम लिखना है हमने उस, और हमें इन दोनों के दरमियान जो सी मिलता है, समंदर मिलता है, वो है अरेबियन सी। उसके बाद है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ थ्री रिवर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्री रिवर्स के नेम राइट करने हैं, रावी, सतलुज, चेनाब। आप अपनी मर्जी के भी राइट कर सकते हैं। पार्ट डी, कलर इन द अर्थ, यूज़ ब्लू फॉर द सी एंड ग्रीन फॉर द लैंड। आपने ब्लू और ग्रीन कलर लेना है और अर्थ की शेप में आप लोगों ने कलर करना है। आपने सी, समंदर को ज़ाहिर करना है ब्लू कलर से और ज़मीन को ज़ाहिर करना है ग्रीन कलर से। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने इस पेज को सॉल्व करना है। टेक केयर योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।